आपके पास सैमसंग का मोबाइल है और सैमसंग के मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा है, जो टेक्स्ट मैसेज होता है वो नहीं आ रहा है या फिर जा भी नहीं रहा है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और आप बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चाहे आप बिल्कुल भी ना जानते हो, फिर भी आप अच्छे से आप इस वीडियो को देखेंगे और आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना है, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल सॉल्यूशन लेके आता रहता हूँ। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल का जो पावर वाला बटन होता है जिससे मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं, वो दबा के रखना है और इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फिर फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में यहाँ पे इस तरीके से आने के बाद इस तरीके से आप आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ कनेक्शन ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सिम मैनेजर देखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी जो भी सिम है यहाँ पे ऑन होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपके फ़ोन में दो सिम है, तो जिस भी सिम पे आप मैसेज भेज रहे हैं जिस भी सिम से और या फिर जिस भी सिम पे लेना चाह रहे हैं उस सिम को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मेरे फ़ोन में एक ही सिम है तो यहाँ पर इस तरीके से ये ब्लर आ रहे हैं, यहाँ क्लिक नहीं हो रहा है। तो मोबाइल डाटा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरीके से जो भी सिम में नेट है उसे ऑन कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क पे जाएंगे, यहाँ नेटवर्क मोड पे आप 5G LTE 3G 2G या फिर 4G मोबाइल है तो नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 5G है तो इस तरीके से कर लेंगे। एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करके 2 डॉट्स या 3 डॉट मिलेंगी, वहाँ पर आपको इसे रीसेट कर देना है। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑन ही रहता है, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डालना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी नेटवर्क सेटिंग को यहाँ से रीसेट कर देना है और यहाँ से आपको अपनी रीसेट ऑल सेटिंग भी यहाँ से कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से पावर डालने के बाद ये आपको करना है, जो मैंने आपको बताया वो आप कीजिए, 100% आएगा OTP, यानी कि मैसेज जाएगा भी आएगा भी इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको देखो जिस भी ऐप में आप मैसेज भेज रहे हो उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, दबा के रखेंगे, यहाँ एक आई बटन सा नज़र आएगा, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, दबा के रखेंगे आई बटन सा नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को अलाउ करना है, ठीक है, ये बंद हो सकती है, अलाउ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशंस पर क्लिक करना है, जो जितनी परमिशन होती हैं ये आपको अलाउ करनी होंगी। यहाँ पे नो परमिशन डेनेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सभी परमिशन देनी होती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से चलना है और यहाँ पे आपको इस तरीके से ये देख सकते हैं सेट एज डिफ़ॉल्ट इस तरीके से, तो ये आपका इस तरीके से होना चाहिए ऑन, क्लियर कर देंगे आप, ठीक है। मोबाइल डाटा पे आपको यहाँ पे इस तरीके से बंद हो तो इसे ऑन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा बैटरी, बैटरी पे क्लिक करेंगे तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर डाटा कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बैक चले जाना है। अब यहाँ नोटिफिकेशन पैनल को नीचे खींचेंगे और यहाँ फ्लाइट मोड नज़र आएगा, इस पर आपको एक बार टैप करना है और आपको इस पर फिर से एक बार टैप कर देना है। अब आप अपने फ़ोन से मैसेज भेजेंगे, मैसेज जाएगा भी और मैसेज आएगा भी, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपकी सिम में रिचार्ज नहीं है तो ना जाएगा ना आएगा मैसेज, ये ध्यान रखना है। जय हिंद।